हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव के बीघापुर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश शुक्ला इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। दो दिन पहले एक युवक ने उन पर आरोप लगाया कि उसने अपने साथ ही मारपीट की शिकायत ट्विटर पर की, तो कोतवाल साहब ने उसे कोतवाली के अंदर बुलाकर जमकर पीटा था। वहीं अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक और महिला एसपी ऑफिस पहुंच गई। महिला ने पत्रकारों से बात करते हुए हैरान कर देने वाली बातें बताई। महिला ने बताया कि उसकी बेटी के साथ गांव की युवकों ने दुष्कर्म किया था, वहीं अब उसकी बेटी को गायब कर दिया गया है। लेकिन जब उसकी शिकायत करने बीघापुर कोतवाली गई, तो उसकी तकलीफ उसके दर्द को समझने के बजाय कोतवाल साहब ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहां से भगा दिया। मामला यह है कि हमारी लड़की 1 बजे के गायब है, 24 घंटे के ऊपर हो गया। थाने में गए तो हमको गाली दे के निकाल दिया गया। कौन से थाने में गए? बीघापुर थाना। क्या कहते हैं वहाँ? वहाँ बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। क्या दिन से गायब है? कल वाली रात से गायब है। तो क्या हुआ, कौन लोगों ने किया होगा? ये बात चौरसिया है, और बिपिन चौरसिया, और चमन, और प्रदीप चौरसिया, मोहित चौरसिया, और कौन लोग हैं ये? चौरसिया है। कहाँ गए? हाँ, बगल के। क्या पहले कुछ ऐसा कुछ किया? हाँ, उसके साथ रेप किया था, तो उसका मैंने केस डाला था। 8 तारीख को उसके बयान थे, इसके लिए उसको उठा लिया। एक तरफ तो सीएम योगी ये कहते हैं कि पुलिस को हिदायतें दी गई हैं कि महिला से जुड़े अपराधों में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन योगी जी देखिए उन्नाव में क्या हो रहा है। एक महिला की बेटी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होता है, और उसके बाद जब उसकी शिकायत करने थाने जाती है तो उसे गंदी गंदी गालियां देकर भगा दिया जाता है। ऐसे में कैसे कोई न्याय की उम्मीद कर सकता है? अब आपको पूरा मामला तफसील से बताते हैं। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी बेटी के साथ पड़ोस के ही रहने वाले कुछ युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मां ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दबंग आरोपियों ने 2 दिन पहले उनकी बेटी को घर से उठा ले गए। वहीं जब इस पूरी घटना की शिकायत करने के लिए पीड़िता की मां बीघापुर कोतवाली पहुंची, तो यहां पर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। महिला ने आरोप लगाया कि यहां कोतवाली प्रभारी ब्रजेश शुक्ला ने उसे गंदी गंदी गालियां देकर कोतवाली से भगा दिया, वहीं दोबारा कोतवाली न आने की सख्त हिदायत भी दी। महिला ने बताया कि उसकी बेटी का 8 तारीख को कोर्ट में बयान होना है, उससे पहले ही आरोपियों ने उसे गायब कर दिया। महिला की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने सीओ बीघापुर को पूरे मामले की जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद बीघापुर थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना तय है। बीघापुर कोतवाली प्रभारी ब्रजेश शुक्ला पर पहले भी कई अन्य मामलों में आरोप लग चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर हर बार उन्हें अभयदान मिल जाता है। लेकिन लगता है कि इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों मामले अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और ये मामले लखनऊ तक भी पहुंच गए हैं। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यूनिज़ यूपी।